सोच भी नहीं सकती कि अदील भाई ऐसे हो सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तो मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे जहन में तो एक बार भी नहीं आया कि उनका कोई गलत इरादा हो सकता है। आप ही, अगर आप नहीं आती तो वो मेरे साथ कोई ऐसा वैसा अल्फाज अपने मुंह से भी मत निकाल। ला पहुंच रही हूँ। इंसान को शैतान के शर से बचा लेता। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अनम अल्लाह ताला ने अकल दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। हर जगह मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ। और अम्मी को कुछ मत बताना। जी आपकी। और आइंदा अगर ऐसी वैसी कोई भी बात होगी तो तुम पहले मुझसे पूछोगी, किसी की बात पर यकीन नहीं करोगी तुम। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनम तुम अभी बहुत ना समझो, यहाँ पे इंसान नहीं दरिंदे फिर रहे जिनका बस चले तो कभी भी हमारी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठा लें। इसलिए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। बस यहाँ रोक दें। आप ही अब घर तक नहीं आएंगी? नहीं, अभी मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, अम्मी को देख के शक हो जाएगा। वैसे मैंने उन्हें फोन पे तसल्ली दे दी थी कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन प्लीज अम्मी को शक नहीं होने देना। ख्याल रखना। हाफिज़।